स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल जंक्शन के एक और नए ब्लॉग में। तो हमने फिजिक्स फिजिक्स स्टार्ट किया था। फिजिक्स का पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको स्टार्ट किया था। उसके दो लेक्चर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो दो लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं उनको जाके। और पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्कोप पूरा किया था, ठीक है, और आवेश के जो मात्रक वगैरह थे उनको पूरा किया था, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इस लेक्चर में पूरा कि आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आवेश का गुणधर्म में क्या है कि आवेशों के गुणधर्म, पहला आवेश का गुणधर्म विद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब जोड़ना, ठीक है ना, योग करना, ठीक है। तो आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि आपने पढ़ाई होगा और 12th में भी आपके मैथ्स में अदिश और सदिश का पूरा एक चैप्टर है। बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा उसमें आपको वेक्टर के बारे में। तो उसके हिसाब से अपन डिस्कस करें तो अदिश राशि का मतलब होता है जिसकी कोई दिशा नहीं होती, मतलब वो जोड़ा जाता है, दिशा नहीं होती अदिश राशि, ठीक है। किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश का मान, किसी भी निकाय मतलब कोई भी एक निकाय मान लो, ठीक है ना। देखो ये एक निकाय मान लो, ये कोई वस्तु है, तो इसमें जितने भी आवेश हैं, जितने भी आवेश हैं उनका जो, फिर अपने को पूछे कि इनका कुल आवेश क्या है, इस निकाय पर कुल आवेश क्या है। तो इन जो भी जितने भी आवेश हैं उनका, उनके चिन्ह समेत बीजगणित योग किया जाता है, ठीक है। बीजगणित योग किया जाता है, चिन्ह समेत योग कर लो, जो भी आवेश आवेश आएगा ना वो उस निकाय पे ओवरऑल आवेश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू +3 क्यों आ गया, +5 क्यों आ गया, -8 क्यों आ गया और -2 क्यों आ गया। तो अपन इनको जोड़ेंगे ना तो हमारे -2 क्यों आवेश आएगा। तो -2 क्यों आवेश आएगा, तो ये -2 क्यों आवेश अपने बीजगणित योग किया है, मतलब आवेश का योज्यता होती है उसका बीजगणित योग होता है, ठीक है ना। क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, ये मैंने यहाँ पे दिखाया अदिश राशि है। तो इस निकाय का कुल जो आवेश आएगा ना वो -2 क्यों आएगा, ठीक है। इसी टाइप से आप यहाँ पे अगर मतलब कुछ भी ले लो, बस अपने को चिन्ह समेत जो जितने भी आवेश हैं उनको सारों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो आएगा वो उस निकाय पर कुल आवेश होगा। तो पहला आवेश का गुणधर्म ये है कि विद्युत आवेशों की योज्यता का, ठीक है, बीजगणित योग होता है। दूसरा क्या है, विद्युत आवेशों की निश्चितता, ठीक है, विद्युत आवेशों की निश्चितता। अब आपको ये चीज बताना पड़ेगा, देखो कि इसमें क्या होता है, निश्चित हमें कितना क्या होता है कि मतलब मान लो कोई आवेश है, ठीक है, कोई भी एक आवेश है, तो उस आवेश को अपन कितनी भी कोई आवेश या आवेश का निकाय है, उस निकाय को हम कितने भी वेग से किधर किधर भी लेके जाए, कितने भी वेग से उसको चलाएं, लेकिन वो जो आवेश का मान होता है ना वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता वेग के साथ, वेग के साथ में चेंज नहीं होता, ठीक है। देखो किसी भी निकाय में उपस्थित आवेश क्यों, भाई किसी कोई निकाय में आवेश क्यों है, ठीक है, वो आवेश क्यों का मान आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता। अब जैसे इसी निकाय को ले लो, आप इसी निकाय को ले लो, इसमें -2 के आवेश है निकाय में। अब इसको तुम मानना कितने भी स्पीड से चला दो, जैसे इसको गाड़ी में रख दो, इसको ट्रक में रख दो, कितने भी इसमें 100 किलोमीटर से चला दो, 50 किलोमीटर कुछ भी कर दो, इसमें -2 क्यों ही आवेश रहेगा, वो जो उसका वेग होना उसके अनुसार चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो मैंने एग्जाम्पल दिया, विराम अवस्था में आवेश क्यों है, तो वो गतिमान अवस्था में भी आवेश क्यों ही होगा, ठीक, चेंज नहीं होगा वो, मतलब आवेश है ना वो वेग पे निर्भर नहीं करता, उसकी निश्चित होती है, ठीक है ना। अब जो अपने वो तीसरा इसका गुणधर्म हुआ है विद्युत आवेश का संरक्षण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया आपके दो नंबर के लिहाज से, विद्युत आवेश का संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विद्युत आवेश का संरक्षण, इसके अनुसार किसी भी विलगित निकाय का मतलब होता है, जैसे आजकल कोरोना में आइसोलेशन शब्द बहुत ज्यादा चल रहा है। आइसोलेशन का मतलब होता है कि विलगित कर देना, किसी चीज़ को आइसोलेट कर देना, मतलब एक अलग ही निकाय जो इस ब्रह्मांड से किसी भी चीज़ से जुड़ा ना हो, बस वो विलगित हो, उससे कोई चीज़ जुड़ी नहीं हो, ठीक है। अब किसी भी विलगित निकाय समझ गए होगा, ये विलगित निकाय का मतलब ये निकाय किसी भी चीज़ के संपर्क में नहीं है, मतलब एक विलगित निकाय है, ठीक है, ये आइसोलेट है। विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव सुरक्षित रहता है, कुल आवेश सदैव सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। इसका कहने का अर्थ है कि किसी भी विलगित निकाय में जो टोटल आवेश होगा ना वो हमेशा सुरक्षित रहता है, क्योंकि उसके कोई भी दूसरी चीज संपर्क में नहीं आ रही, संपर्क में नहीं आ रही तो उसका आवेश चेंज नहीं होने वाला, तो आवेश सुरक्षित होता है, ठीक है। अतः आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, कहने का अर्थ न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और नए आवेश को नष्ट किया जा सकता है, मतलब आवेश को हम कहीं से भी उत्पन्न नहीं कर सकते और नहीं आवेश को नष्ट कर सकते, ये बात ये कहना चाह रहे हैं। यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है, और स्थानांतरण के मेथड हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी लिए हैं, कौन कौन से घर्षण द्वारा स्थानांतरण होता, प्रेरण द्वारा स्थानांतरण होते, 2-3 मेथड और थे, वो आप देख लेना अगर आपको वीडियो लेक्चर में समझ नहीं आया तो, ठीक है ना। लेकिन विलगित निकाय का मीनिंग समझना जरूरी है, ठीक है ना। विलगित निकाय मतलब पूरी दुनिया से अलग है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है, ये एकदम आइसोलेट चीज है। आइसोलेट चीज में जितना भी, जैसे इसमें -2 क्यों आवेश है, ठीक है, तो ये -2 क्यों आवेश ही हमेशा रहेगा, ठीक है ना। ये विलगित करना तो ये हमेशा संरक्षित रहेगा, नहीं तो आवेश को नष्ट किया जा सकता और नहीं आवेश को उत्पन्न किया जा सकता। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता, न द्रव्यमान को खत्म किया जा सकता, ठीक है ना, न तो उत्पन्न किया जा सकता न खत्म किया जा सकता। उसी टाइप से आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते और नए आवेश को नष्ट कर सकते, ठीक है। तो तीन गुणधर्म पढ़ लिए अपने, अब चौथा गुणधर्म आएगा, चलिए उदाहरण कर लेते हैं अपन, ठीक है। उदाहरण क्या है, देखो उदाहरण को देखना,
घर्षण विद्युत के उदाहरण में, घर्षण विद्युत के उदाहरण, अब जो अपने जो आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा था ना, उसके लिए उदाहरण है कि उसको जस्टिफाई कैसे करें, ठीक है ना, उसको क्लियरिफाई करने के लिए कि आवेश संरक्षण होता है, ये नियम बताने के लिए। देखो कांच की छड़ में, कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ने पर, आपको बताया पहले लेक्चर में बताया है, कांच की छड़ को रेशम की छड़ पर रगड़ने पर कांच की छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न होता है, कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होता है, उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न होता है। तो अब अपने को पता लगेगा कि यार जैसे अपने कांच ने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पे तो आवेश उत्पन्न हो गया। और अभी अभी हमने कहा कि नहीं तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते। लेकिन देखो आप एक चीज सोच कर देखो कि आवेश उस पर उत्पन्न हुआ है वो क्या है, धनात्मक आवेश, तो रेशमी कपड़े पे क्या उत्पन्न हुआ है, ऋणात्मक आवेश, तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश वापस जीरो, तो न तो कुछ उत्पन्न हुआ न कुछ नष्ट हुआ, जिससे कुल आवेश हमेशा शून्य होता है। देखो कुल आवेश शून्य हो गया तो रगड़ने से पहले कुल आवेश शून्य था, रगड़ने से पहले भी कुछ शून्य था और रगड़ने के बाद भी शून्य रहा, हाँ बस चेंज हो गया कि उसमें एक में धनात्मक हो गया और एक में ऋणात्मक हो गया, लेकिन ओवरऑल तो जीरो ही रहा ना। तो यही तो बात करना चाह रहा हूँ कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हो और नहीं नष्ट कर सकते हो। देखो जब इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आप पढ़ोगे, आपके 13वां या 14वां चैप्टर है उसमें आपके आएगा, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, उसमें आएगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पूरा नॉलेज, तो वहाँ पे आप देख लेना, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। जब दोनों को टकराते हैं ना उसमें आएगी रिएक्शन भी, जब दोनों को टकराते हैं तो विद्युत चुंबकीय विकिरणी उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरणी उत्पन्न होती है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को टकराते हैं तो विद्युत चुंबकीय विकिरणी उत्पन्न होती है जो आवेश रहित होती है, मतलब उन पर आवेश नहीं होता, ठीक है ना, उन पर दोनों पर चार्ज नहीं होता। टकराने से पूर्व बिल्कुल आवेश शून्य ही था। देखो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो पॉजिट्रॉन होता है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो इस पूरे निकाय का ओवरऑल, देखो ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन को इस टाइप से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जो प्लस चार्ज होता है तो पॉजिट्रॉन होता है, दोनों पे आवेश बराबर, तो टोटल आवेश जीरो हो गया, और टकराने के बाद भी एक किरण निकलेगी विद्युत चुंबकीय किरण और इस पे आवेश नहीं होता है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन संरक्षण का नियम लग गया कि जो पहले ही जीरो था और रिएक्शन के बाद में भी जीरो है, ठीक है। जैसे रेडियोधर्मी से आएगा आपकी, ठीक है, रेडियोधर्मी से भी आएगा मॉडर्न फिजिक्स में, रेडियोधर्मी से में क्या होता है, जैसे यूरेनियम का अपन रेडियोधर्मी से करते हैं ना यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम से जैसे बिजली बनाने में यूरेनियम काम में रहते हैं, उसमें नॉर्मली ये रिएक्शन काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यूरेनियम में जैसे देखो इसमें ब्रॉन में प्रोटोन है, ब्रॉन में इलेक्ट्रॉन 92 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 92 इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने, 8 ही है, और फ्लोरिन का 9 है तो फ्लोरिन में 9 है, तो इसमें यूरेनियम में 92 है, यहाँ पे 92 है, ये इलेक्ट्रॉन होंगे तो 92 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको तोड़ेंगे, इसको रिएक्शन से तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो क्या होगा, थोरियम बनेगा, थोरियम का 90 होता है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 90 होता है, 90 इलेक्ट्रॉन तो इस थोरियम से आ जाएंगे वो। और ये अल्फा कण क्या होता है, देखो ये मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ोगे, अल्फा कण किसको बोलते हैं, जो हीलियम का नाभिक होता है ना, हीलियम का, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है ना, हाइड्रोजन हीलियम, तो हीलियम का नाभिक होता है ना उसको अल्फा कण बोलते हैं, याद रखना हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण बोला जाता है, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण बोलते हैं। तो हीलियम का नाभिक क्या होता है, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम 4 इस टाइप से डिनोट करते हैं, 2 हीलियम 4, मतलब 2 क्या होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये होता है एटॉमिक मास, जैसे यूरेनियम का 238 एटॉमिक मास होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ब्रॉन में पे होता है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए और 90 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, तो ब्रॉन में इलेक्ट्रॉन हो गए, और के इनिशियल कितने थे, 92 हो गए, तो इसमें भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग गया है कि जो शुरुआत में थे उतने ही एंड में, ठीक है। नाभिक अभिक्रियाएं देख लीजिए, अब ये भी आ गया आपके मॉडर्न फिजिक्स में, ये कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स के एग्जाम्पल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन अवय संरक्षण में मैंने आपको बताया वो, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 एटॉमिक नंबर तक 7 आ गए, और द्रव्यमान संख्या 14 होती है, द्रव्यमान संख्या ऊपर आ गई। और देखो हीलियम अभी जो अल्फा कण है उसे अल्फा कण बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो अल्फा कण है ये, जिसे 2 हीलियम 4, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो अब इसको जोड़ेंगे ना, इसको इन दोनों की अपन अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन बनता है, तो ऑक्सीजन में इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो ऑक्सीजन 8 हो गया, और यहाँ से द्रव्यमान संख्या से 2 चली जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16 होती है, मैंने मिसप्रिंट लिख दिया है यहाँ पे, 16 होती है, ठीक है। तो 2 इधर होगी, तो इधर से 2 अगर 4 चला गया और इधर से ये चला गया 8 हो गया, और ये 1H1 बच गया, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, इधर देखो 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इधर 8 1 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, तो इस टाइप से होगा, और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ठीक है, हाँ एकदम सही है, ठीक है ना। अब जो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है,
आवेश का क्वांटीकरण, अब अपने क्वांटीकरण हमने बहुत बार सुना है, क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण बहुत ज्यादा सुना है अपने। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि क्वांटो में तोड़ना, क्वांट का मतलब होता है छोटे छोटे ब्रैकेट, ठीक है ना, ब्रैकेट होते हैं छोटे छोटे ब्रैकेट में तोड़ना, छोटे छोटे ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट्स के अलावा कुछ में, अब जैसे इस ब्रैकेट को अपन दो टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, क्वांट का मतलब होता है एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट, चार ब्रैकेट, लेकिन इस ब्रैकेट को है ना, इसको दो में नहीं तोड़ सकते अपन, इसको भी दो टुकड़ों में नहीं कर सकते, इसको दो टुकड़ों में नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्वांटीकरण का मतलब ये होता है। तो क्वांटीकरण में क्या होता है, विद्युत आवेश सतत राशि है, सतत राशि का मतलब जैसे आप समझ सकते हो कि सतत राशि न होकर विद्युत राशि है। सतत राशि का मतलब जैसे अपन मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक है ना, जैसे अपन बाइक चलाते हैं तो बाइक पे जैसे अपन एक्सीलेटर दबाते हैं ना, तो जो जो अपने रेस रेस वाला जो होता है ना, वो दिखाने वाला, शो करने वाला, उसमें जो रेस रेस के बढ़ने पे जो वो उसका एरो होता है ना, वो एकदम सतत तरीके से बढ़ता है, कभी भी आप देखना वो डायरेक्ट 10 से 50 पे जंप नहीं करता, वो 10 से पहले 20 पे जाएगा, 20 से फिर 30 पे जाएगा, 30 से 40 जाएगा, 40 से 50 जाएगा, 10 से 10.1, 10.2, सारी वैल्यूज कवर करता है वो, जैसे जैसे आप एक्सीलेटर दबाओगे वैसे वैसे वो सारी स्पीडोमीटर सारी वैल्यू कवर करेगा, वो कभी भी 10 से डायरेक्ट 50 नहीं जाएगा, मतलब वो सतत होगा, ठीक है ना। लेकिन जो विद्युत आवेश होता है ना, वो सतत राशि नहीं होती, वो असतत राशि होती है, मतलब आवेश होता है वो 10 होगा या फिर 20 होगा या फिर 30 होगा, ये 10 होगा या 11 होगा या 12 होगा, लेकिन 10.5 कभी नहीं होगा, ठीक है, 10.3 कभी नहीं होगा, जैसे वो स्पीडोमीटर रेस दिखाता है ना, अपनी वो स्पीड दिखाता है ना, उस टाइप से ये कभी नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। विद्युत आवेश होता है ना, वो या तो 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है या 5 होता है, ठीक है ना, क्वांटीकृत होता है कुल मिला के, तो विद्युत राशि होती है, ठीक है ना। विद्युत आवेश का न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा अभी तक आवेश धरती पे खोजा नहीं गया, ठीक है ना, साइंटिस्टों द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं खोजा गया है। तो जो आवेश का क्वांटीकृत मान होता है ना, मिनिमम मान होता है, एक नंबर का बहुत ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आवेश का मिनिमम क्वांटीकृत मान क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो अतः किसी निकाय पर संभावित आवेश, किसी भी निकाय पर संभावित आवेश कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो मिनिमम होगा उसके, अब अगर उस पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, अब 3.5, 2.5, 1.5, ये तो होने होने से रहे, क्योंकि क्वांटीकृत राशि है, तो अब ना n n × e होगा, अब जैसे 1 रख दिया तो मिनिमम आ जाएगा, n 1 रखो आप, 1 रखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो मिनिमम आवेश आ जाएगा, अब 1.5 तो हो नहीं सकता, तो 2 रखना पड़ेगा, तो 2 रखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर 3 रखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, n इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन कभी भी 2.5, 3.5 ये नहीं होगा, तो ये क्वांटीकृत का नियम है, एक तो आवेश संरक्षण और एक आवेश क्वांटीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप याद कर लेना इनको, एक एक नंबर क्वेश्चन ब्रो जरूर फ्रेम हो सकता है यहाँ से, ठीक है ना। तो n इसीलिए ये क्वांटीकृत राशि है, ठीक है। अब अपने पास तीन नोट है, तीन नोट है, इनको अपन ढंग से देख लेते हैं, ठीक है। तीन नोट में क्या है, देखो पहला नोट क्या है, आवेश द्रव्यमान युक्त राशि है, आवेश द्रव्यमान युक्त राशि है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश की मिनिमम आवेश कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर मिनिमम आवेश हो सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन में तो अपने को पता है द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, इसका भी द्रव्यमान होगा 100%, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो आवेश आवेश भी द्रव्यमान युक्त राशि होगी, क्योंकि द्रव्यमान युक्त होगा, द्रव्यमान जरूर होगा आवेश का, क्योंकि आवेश मिनिमम होगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन को तो आवेश होता है, तो आवेश का द्रव्यमान होगा, आवेश द्रव्यमान रहित आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, भाई द्रव्यमान रहित का मतलब उसमें द्रव्यमान नहीं है, और द्रव्यमान नहीं होगा मतलब आवेश होगा तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो होगा, और इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान रहित आवेश का तो विचार ही असंभव लगता है और असंभव ही है, लेकिन विलोम सदैव सत्य नहीं, विलोम सदैव सत्य है, विलोम का मतलब होता है कि जैसे एग्जाम्पल देखो, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन में द्रव्यमान है पर आवेश नहीं है, ऊपर वाली बात क्या है कि आवेश होगा तो द्रव्यमान भी होगा, लेकिन द्रव्यमान है तो आवेश हो ये जरूरी नहीं है, कि आवेश है तो द्रव्यमान होगा ये श्योर है 100%, ये सत्य बात है, लेकिन द्रव्यमान है देखो, आवेश है तो द्रव्यमान होगा, पर द्रव्यमान है तो ये उल्टा, ये एरो उल्टा नहीं चलने, तो द्रव्यमान है तो आवेश हो ये जरूरी नहीं है, देखो जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो है पर आवेश नहीं है, वो न्यूट्रॉन का तो मतलब ही न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल पर चार्ज नहीं होता, कभी भी आपको पता है, तो ये पहला नोट था, थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। दूसरा क्या है, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये आपके आराम से आ जाएगा, शायद चौथे या पांचवें चैप्टर में आप जो चुंबकीय क्षेत्र पढ़ोगे तो आपके कंप्लीट समझ में आ जाएगा ये नोट, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो एक स्टेटिक आवेश होता है, जो एक रुका हुआ आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, समान वेग से गतिमान आवेश विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और जब उसको एकदम एक समान वेग से चलाया जाता है, जैसे उसको 30 की स्पीड में चला रहे हैं या 40 की स्पीड में चला रहे हैं, तो वो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, ठीक है।
त्वरित आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ, जब त्वरित का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, त्वरित का मतलब होता है अपन रेस दबा रहे हैं, मतलब उसको नहीं तो 30 पे, जैसे 30 पे चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है मान लो, या 40 की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन फिक्स है 30 पे ही चल रहा है वो, तो वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर अपन एक्सीलेटर दबाए हुए हैं, मतलब वो 30 अपन रेस कंप्लीट, मतलब एक्सीलेटर दबा रहे हैं और उसकी स्पीड लगातार बढ़ा रहे हैं, मतलब उसको त्वरित कर रहे हैं, त्वरित करेंगे ना तो वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप देख लेना। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कंप्लीट इस पे लेक्चर आपको मिलेंगे, नोट्स के PDF मिल जाएंगे आपको, इन्हीं नोट्सों के मिल जाएंगे स्कैन करके बढ़िया तरीके से। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।